नमस्कार, वेलकम टू जनरल नॉलेज डाइजेस्ट। इस वीडियो में आपको सभी तरह के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो चलो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? आपका विकल्प है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब होगा सी बिहार। आपका दूसरा सवाल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? आपका विकल्प है ए 2%, बी 3%, सी 0.3%, डी 0.03%। आपका सही जवाब होगा डी 0.03%। आपका तीसरा सवाल है, भारत खंड भारत का क्या है? आपका विकल्प है ए दूसरा नाम, बी राष्ट्र, सी सभ्यता, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ए दूसरा नाम। आपका चौथा सवाल है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आपका विकल्प है ए आर्थिक प्रगति, बी ऋण, सी आर्थिक सुधार, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा बी ऋण। आपका पांचवा सवाल है, त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह किस भाषा में लिखा गया है? आपका विकल्प है ए ब्राह्मी, बी ग्रीक, सी पाली, डी संस्कृत। आपका सही जवाब होगा सी पाली। आपका छठवां सवाल है, प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? आपका विकल्प है ए महर्षि वाल्मीकि, बी महर्षि वेदव्यास, सी महर्षि पाणिनी, डी मेगास्थनीज। आपका सही जवाब होगा सी महर्षि पाणिनी। आपका सातवां सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद हैं? आपका विकल्प है ए 223, बी 324, सी 370, डी 445। आपका सही जवाब होगा डी 324। आपका आठवां सवाल है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? आपका विकल्प है ए किशन कन्हैया, बी राजा हरिश्चंद्र, सी सीता विवाह, डी सती सुलोचना। आपका सही जवाब होगा ए किशन कन्हैया। आपका अगला सवाल है, नव भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? आपका विकल्प है ए सर जॉन शो, बी लॉर्ड केनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी अरल कॉर्नवालिस। आपका सही जवाब होगा बी लॉर्ड केनिंग। आपका दसवां सवाल है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका विकल्प है ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। आपका सही जवाब होगा डी उत्तराखंड। सवाल नंबर 11, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां है? आपका विकल्प है ए 22, बी 12, सी 24, डी 25।
आपका सही जवाब होगा सी 24। सवाल नंबर 12। ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया? आपका विकल्प है ए 1915 में, बी 1928 में, सी 1918 में, डी 1945 में। आपका सही जवाब होगा बी 1928 में। सवाल नंबर 13। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? आपका विकल्प है ए 22 जुलाई 1947 को, बी 28 जुलाई 1947 को, सी 17 जुलाई 1947 को, डी 22 जुलाई 1948 को। आपका सही जवाब होगा ए 22 जुलाई 1947 को। सवाल नंबर 14। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? आपका विकल्प है ए 3 लाख किलोमीटर, बी 3 लाख 50 हजार किलोमीटर, सी 3 लाख 85 हजार किलोमीटर, डी 3 लाख 95 हजार किलोमीटर। आपका सही जवाब होगा सी 3 लाख 85 हजार किलोमीटर। सवाल नंबर 15। भारतीय सिनेमा के जनक थे? आपका विकल्प है ए देविका रानी, बी दादा साहब फाल्के, सी लूमियर ब्रदर्स, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा बी दादा साहब फाल्के। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिली रहेगी।